आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम्स और खबर प्रयागराज से। आज भी बच्चों के दिल पर नेहरू जी का राज है। विशाल और सुंदर भारत की कल्पना करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कल्पना करते हुए अरशद अली ने कहा कि बच्चों के हाथों में देश का भविष्य होता है और ये तमाम संभव हो सकता है जब बच्चों का संपूर्ण विकास किया जाए। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर प्रयागराज में गौस कॉन्वेंट स्कूल जेके नगर करेली में कांग्रेस के अल्पसंख्यक गोष्ठ के जिला अध्यक्ष अरशद अली ने बच्चों को मिठाई बांटते हुए कही। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत प्रेम बच्चे करते हैं थे, तभी बच्चों के दिलों पर आज राज कर रहे हैं। बच्चे भी उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। 14 नवंबर को देश भर में बच्चे चिल्ड्रन डे के रूप में मनाते हैं। नेहरू जी का मानना था आज के बच्चे कल का भविष्य है, इसलिए ऐसे माता पिता को अध्यापकों को जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधक मोहम्मद तारिक कादरी और उप प्रधानाचार्य सफीना इरम ने इरशाद अली को बुके देकर स्वागत किया। प्रोग्राम में शामिल अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष साबिर फरीदी शेख, आलमगीर सचिव परवेज आलम, राजू इनामुल इस्लाम, मुस्तकीम आफरोज खान, आदिल खान, अब्दुल हमीद, सबीन अंसारी, मोहम्मद इरशाद आदि उपस्थित रहे। आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की योम पैदाइश पे अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी उनको खराज अकीदत पेश करती है। आज पंडित जी के योम पैदाइश के उसमें अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी ने स्कूल के बच्चों के साथ काफियां तस्सीम करके बाल दिवस रूप के रूप में मनाया और बच्चों के बीच में ये संदेश दिया कि बच्चे को नेहरू जी बहुत पसंद थे और बच्चे भी नेहरू जी को बहुत मानते थे, प्यार से उनको चाचा नेहरू कहते थे। आज जिस तरीके से कुछ कथाकथित लोग हमारे पुरखों की निशानी मिटाने में लगे हुए हैं, उनके इतिहास से उनके नाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके मंसूबे को हमें पूरा नहीं होने देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुए, इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था और हिंदुस्तान की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 11 साल 4 महीना जेल में थे। ये उस परिवार से थे जो जिनको किसी चीज़ कमी नहीं थी। इन्होंने अंग्रेजी सूट छोड़ के गांधी जी की विचारधारा को देखते हुए इन्होंने खादी अपना ली और जनता के लिए अपना सूट बूट छोड़ के इन्होंने खादी पहन के जनता के लिए लड़ाई लड़ने काम किया और गौरव से देश को आज़ाद कराया। और आज देश को फिर नेहरू जी और गांधी जी जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि पहले उन्होंने गौरव से आज़ाद कराया था देश को, अब चोरों से आज़ाद कराने का समय आ गया है। अरशद अली, महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी, इलाहाबाद। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब